मिलेंगी, गाड़ी अलग, सोने की अंगूठी, माइक की अलग अंगूठी आएगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कॉलेज से और वैसे अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और सुबह से मैं क्लास आया था, सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट गया था, तो आज बहुत हैक्टिक डे था तो इसलिए मैं अभी व्लॉगिंग कर नहीं पाया। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ और आप भी जाया करो भाई, सुबह शाम जिम जाओ, मंदिर जाओ और मेरे व्लॉग्स देखो डेली, 4-4 बार देखो। और अभी आपको मेरे हाथ में कॉफ़ी दिख रही होगी, आप लोग तो पीते हो इसे पर मैं खा जाता हूँ इसे ऐसे। कड़े भी है, इसका खाने का पर्पस ये है, ये एक प्री वर्कआउट की तरह भी काम करती है। और अभी जिम आ गए हैं, सामने से फैकल्टीज आ रही हैं, चलो जिम में मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम जिम में तो आ चुके हैं पर अभी 1 मिनट का कुछ बाहर काम है तो अभी बाहर जा रहे हैं, मिलते हैं बाहर। अभी आ गए हैं दोबारा, वो सॉरी जिम के बाहर, और ये मेरे जिम ट्रेनर हैं भैया। हेलो हेलो। अभी भैया को जब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा ना, बहुत अच्छी मेरी मसल बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी, फिर भैया को कुछ बहुत तगड़ा गिफ्ट दूँगा। ब्लॉक के अंदर आ गए, ये फर्स्ट ब्लॉक है और ये देखो कैसे सजा रखा है, वही तो कुछ हो रहा होगा फंक्शन, ये होते रहते हैं आर्ट की, वो जो वो लगती है ना एग्जीबिशन। और ये झंडे लगे हुए हैं सारे देशों के, और ये हमारा स्टूडेंट वेलफेयर हेल्प डेस्क। भाई अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप मैंने आज ये वाली सेम टी शर्ट क्यों पहनी है, इसका रीज़न ये है कि आज मैं बाइसेप और ट्राइसेप मारूँ, है ना भैया? हाँ। तो उसमें इसकी थोड़ी फिटिंग अच्छी है, तो फिर बाइसेप ट्राइसेप मारने के बाद फिर जो फ्लैक्स करते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी फिटिंग आती है, फिर थोड़ा फ्लैक्स कर देते हैं, फिर ऐसे रस्ते में चलते तो लोग बाग देखते हैं हाँ भाई यही बहुत तगड़ा हो रहा है। और हाँ यार, नज़र तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है स्मार्टीज में, देखो स्मार्टीज कोई नहीं। अभी मैं घर जाऊँगा ना, नज़र वजर के धागे बंधवा के आऊँगा, इतनी लगती है धागा टूट गया मेरा एक बार। अब काम हो चुका है जो हमें बाहर, तब जिम में जाके अब कर दें शुरू। वैसे इन्होंने कॉलेज के हिसाब से जिम थोड़ा छोटा बना रखा है ना भैया, कॉलेज की पॉपुलेशन के हिसाब से, और टाइम भी कम देते हैं, मेरे को 2 घंटे लगते हैं और कार्ड में देते हैं कि 1 घंटे का टाइम ही है, पर मेरी तो सबको पता ही है बातचीत अच्छी होती है तो मैं 2 घंटे कर लेता हूँ। सो गाइस, ये मेरा दूसरा सेट है, पहला सेट मैंने कर लिया है और ये मैं भी बाइसेप और ट्राइसेप एक साथ कर रहा ट्राइसेप में 10-15 के रैप नहीं मारने चाहिए, 20-25 ऐसे मारने चाहिए। तो गाइस, हम अब उसी के सुपर सेट में मार रहे हैं ट्राइसेप ट्राइसेप का, दो ग्रुप से ट्राइसेप मार रहे हैं। ट्राइसेप के भी दूसरे सेट में 18 रैप निकाले हैं और जिम में अभी रेनोवेशन चल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वहाँ का फ्लोर टूट रहा था, तो अब यूपीएस वाले
खर्चा कर रहे हैं थोड़ा। सो गाइस हम बाइसेप्स वर्क कर रहे हैं। ट्राइसेप मारते हैं फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा अपन, अभी तो और भी एक्सरसाइज है। सो गाइस अब ट्राइसेप का लास्ट है भैया। अभी तो चार एक्सरसाइज करिए, एक सेकंड और अभी आप पंप देख सकते हो। अब पता लगे आपको इस टी शर्ट का क्यों पहन के आया, और थोड़ा फ्लेक्स देख लो। Turn up.
सेट तो अभी बाइसेप ट्राइसेप बिल्कुल भर चुके हैं, पर अभी और करनी है एक्सरसाइज। भैया इसकी महक पकड़ी नहीं आ रही, इस पर मैं ही चलूँगा भैया सबसे पहले। तेरा रैंप करवा देते हैं। हैं? तेरा रैंप वॉक करा देते हैं। हाँ हाँ तो भाई अभी हम करेंगे ट्राइसेप डिप्स और ये 7.5 मिनट की पहले। गाइस तो थोड़ा फोम का अभी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, पर अभी और धीरे धीरे फोम भी ठीक करेंगे। सो गाइस अब ट्राइसेप डिप्स का लास्ट सेट है और ये 25 किलो की प्लेट के साथ में था। रोहन एक बार आगे प्लेट रखवा दियो, प्लेट रखवा दे, प्लेट रखवा दे पैर। Thank you.
तो गाइस ट्राई सब डिश तो कंप्लीट हो गए, अब बस कंसंट्रेशन कर रहे हैं एक लास्ट सेट, उसके बाद करके फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइस जिम से तो फ्री हो गए हैं, अभी आप थोड़ा पंप देख लो कितना आया है, और अभी ज़्यादा फ्लैक्स करता नहीं, मेरे को नज़र वो जल्दी लग जाती है। और अभी अब मेरी आज फ्राइडे तो टेक्निकल की क्लास है पाँच से सात, और सुबह ज़्यादा मैंने कुछ ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, लंच भी बहुत हल्का था। अब फ्रिज को देखते पहले कुछ खाता हूँ आलू रोल टाइप, और फिर क्लास जाते हैं। भैया आ रहे हैं जिम से, भैया का कुछ काम है आज। तो गाइस अभी हम फ्रिज को पे आ गए हैं, यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या मिलता है। और भैया क्या हाल है? बढ़िया एकदम। अरे आप कहाँ गए आप इतने दिनों से? हाँ अरे आज ही तो और दिन से खाते, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे? 30 दिन तो ड्यूटी मैं कर रहा था, ये थोड़ी करते हैं। अरे भैया तो मजे मार रहे हैं यहाँ पे, जिंदगी की मजे तो यही है। और भैया बस आपने देखी मेरी वीडियोस? हाँ। झूठ बोल रहे हो। मैंने देखी मैंने। अरे भैया आप तो कर दो, मैंने YouTube चैनल बना लिया। करो भाई उसका चैनल क्या है, किस नाम से? पाल ब्लॉग्स। और भैया क्या कहते हैं, आलू रोल कर दो एक पहले। अरे एक आलू ऐसे फ्रिस्को की बहुत फेमस चीज़ है मंचूरियन रोल, और ये मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत खाया है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, और ये बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे। जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया आके कर लो। हाँ भाई मेरे नाम से डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मेरे को ज़्यादा दे देना। पर पास में आ चुके हैं, 10 मिनट लेट है पर कोई नहीं, ये फिर आ गया आज। भाई सर अपनी स्टोरी बता रहे हैं बीटेक की, मेरे ब्लॉग पे देख लेना, सर ने मना करिए क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जब मेरी बीटेक हो गई तो बीटेक में डिसाइड किया कि यार उसमें क्या हुआ कि पूरी बीटेक मेरी क्लियर हो गई, लास्ट सेमेस्टर लास्ट एग्जाम मैं वहाँ पर फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मेरी रात में किसी से बातें हो गई। लड़की का चक्कर आ गया। अभी सर अपनी स्टोरी बता रहे थे भाई, क्या बताया सर ने कि भाई जब सर इतने ब्रिलियंट हैं सर का कट गया तो बता रहे थे क्या ही है भाई। भाई सर अपना दुख बांट रहे थे आज, अब यार रंग खराब हो जाता है। अच्छा लाइट आ रही है भाई, सर का दिल बहुत टूटा हुआ जब भी सर ने इंतकाम ले लिया, ठुकरा के मेरा प्यार। सर ने पहले बी टेक करी, फिर एम टेक करी, फिर क्या करी नहीं PhD। सर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और भाई पढ़ाते तो बहुत ही बढ़िया है, और सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ताकि हम लड़केबाजी में ना लगे। देख मैं तो लगता नहीं, तू लगता था भाई, दूर तो कहते कितना सीधा बच्चा हूँ। देख भाई देख मैं बता रहा हूँ, अगर तू अपने पसंद की लड़की करेगा पसंद और तू करेगा शादी, तो फिर दहेज तो मिलने जरा। अब अगर घर वालों की पसंद से हम करेंगे अरेंज मैरिज, तो देख कितना फ़ायदा, फ्रिज सोफ़ा टीवी है, बेड बर्तन अलमारी संदूक, कितनी चीज़ें मिलेंगी, गाड़ी अलग, सोने की अंगूठी, बाइक की अलग अंगूठी आएगी। अब बता फ़ायदा किस में है भाई, अरेंज मैरिज मतलब मैरिज में है ना, इतना सामान मिलेगा है। सर हम नियारी हैं, दहेज लोगे तुम हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं थोड़ी नहीं। अबे भाई पता है तुम कितना दहेज लेते हो है? अरे रहन दे भाई, इतना झूठा है ना, अभी कह रहा था भाई गाड़ी तो मैं फॉर्चुनर लूंगा, शकल दिख गई अपनी देख तू, कह रहा जाएगा फॉर्चुनर पे ना। तो गाइस क्लास हो गई है, अब अटेंडेंस की बारी है। बता भाई आज का क्या एक्सपीरियंस रहा क्लास का? बेकार सा रहा यार, मन नहीं कर रहा भाई। पर जो सर ने अपनी स्टोरी बताई है ना, वो सही बताई है। आपसे
गाइस आने वाला है मेरा नाम स्टीव यादव। ओहो ये तो बहुत फेमस है। अरे भाई कहाँ रह गया मेरा नाम। आ जा भाई। सर क्लास तो भाई देखते रहा भाई पूरी आता है अटेंडेंस फुल रहती है। गाइस बड़ी मुश्किल से क्लास छूट गया। उठ जा भाई चल रे चल भाई बड़ी मुश्किल से क्लास छूटी है। गाइस क्लास छूट गई है और इसको मैं हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ कैंपस हॉस्टल में। ये थोड़ा कमजोर है इसे लड़के छेड़ देते हैं। तेरे को छेड़ते होंगे मैं तेरे को छोड़ने जा रहा हूं। भाई मैं तो जिम जाता हूं भाई तो मेरे में ताकत है ज्यादा। हम इनबिल्ट ताकत है भाई। पता नहीं कैंपस हॉस्टल में नाम चलता था भूल गया बेटे। भाई ये हमारा कैंपस हॉस्टल था फर्स्ट ईयर में मैं यहीं रहा था यहीं ऐसे ही करवाता था अपनी सबसे। गलत बोल दे कर हमेशा गलत। भाई मैं कैंपस हॉस्टल में यहां रहा था फर्स्ट ईयर में और मैंने इतनी शैतानियां करी हैं भाई यहां तोड़ फोड़ आग जलाओ कभी कुछ करो। अरे अब मुझे अंदर भी नहीं जान देंगे अब तो यहां पे वो भी लग गया भाई फेस लॉक ऐसे करके घुस जाऊं क्या। गाइस घुस गया मैं कैंपस हॉस्टल में। कहाँ है बटन कैसे बटन जाऊंगा गेट पे कभी सोते फिर तू एंट्री थोड़ी करनी पड़ेगी जाने से हैं ना यूं चुपचाप निकल जाऊं ना। हाँ तो भाई बहुत दिनों बाद आया हूँ। चलो अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं जब कैंपस टूर डालूंगा जब दिखाऊंगा। अरे मेरे रूम तक चलेंगे पहले कौन सा रूम था मेरा रहने दे भाई छोड़ बाद में चल ठीक है भाई बाय बाय। सो गाइस कैंपस वाले बॉयज हॉस्टल से भी निकल के यहाँ तक आए गांधी चौक है पहले तो यहाँ पे मैंने बहुत मस्ती की है। और अभी मेरे को देवांश का फ़ोन आया था एक दोस्त है तो वो बता रहा था कि भाई तू जैसे वीडियो बना रहा है जो भी है आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तेरा कैमरे से तो अभी थोड़ा तो भाई मतलब आज और ठीक हो गया है अभी और धीरे धीरे और इम्प्रूव करता हूँ क्योंकि वैसे तो मैं बहुत बोलता हूँ बहुत शैतानी करता हूँ बहुत मस्ती करता हूँ पर कैमरे के बाद आगे अभी थोड़ी हो नहीं रही है तो करते हैं धीरे धीरे इम्प्रूव। तो ऐसे ही मेरे को कमेंट करके बताते रहो जैसे इसने मेरे को अभी फ़ोन करके बता दिया तो अब मैं ट्राई करूँगा कैमरे से बिल्कुल कॉन्टैक्ट करने का ठीक है। तो गाइस अभी हम यहाँ बेकरी पे आए हैं और सिर्फ दो ही पेटीज थी पनीर पेटीज थी तो वो हमने ले ली है मैं और एक मेरा दोस्त है सामने आ नहीं रहा। वैसे आप केक देख लो भाई आपको क्या पसंद है। तो गाइस अभी अब हम हॉस्टल आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वैसे हॉस्टल इतना है नहीं नॉर्मल है पर अब रूम देखते हैं मेरा वो ज़्यादा फैला हुआ होगा रूम कुछ ज़्यादा फैला हुआ है और इसलिए मैं ज़्यादा दिखाता नहीं। और वैसे ये रूम छोटा है और हॉस्टल के हिसाब से जो नए बन रहे हैं ये क्योंकि पुराना बना हुआ है तो इसका इसलिए छोटा है। चलो गाइस ओके बाय बाय। गाइस देखो इस लिफ्ट में 6% कैपेसिटी और ये फुल आ गया है और हम लिफ्ट में 5 जने सातवा दो बंदे एक साथ। तो गाइस अभी मैच में तो आ चुके हैं अब देखते हैं खाने में क्या क्या बना है। हाँ भैया अब बताओ क्या बना है खाने में। खाने में भाई पनीर बिरयानी है। हाँ और अंडे बिरयानी है। अच्छा मीठे में। मीठे में काला जामुन है भाई गुलाब जामुन है और ग्रेवी है बढ़िया सी और ऑनियन प्याज है मतलब सुधार हो गया एक कंप्लेन। तो गाइस मंदिर में आ चुके हैं और लगभग बहुत लोग आते हैं आप भी आओ। और अब मैंने डेली तो मैं आता ही हूँ मैं पहले भी आता था पर पहले कभी कभी स्किप हो जाता था पर अब मैं डेली आ रहा हूँ और मैं आपको भी मोटिवेट कर रहा हूँ और इंस्पायर कर रहा हूँ कि भाई डेली मंदिर आओ आना चाहिए अच्छी बात है पॉजिटिविटी आती है। चलो आज ये लोग को यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो।